आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं आपके FLN प्रशिक्षण से। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रत्येक BRC पर आपका 4 दिवसीय FLN प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे साथी इस प्रशिक्षण को कर चुके होंगे, बहुत सारे साथी कर रहे होंगे और जो अवशेष साथी हैं वो आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण को करेंगे। तो ऐसे में जो ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण FLN का हो रहा है, आपके BRC केंद्र पर आपको नाश्ता और भोजन नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके बदले में आपको पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। और इस संदर्भ में मानदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का यह आदेश आप देख सकते हैं अपने पे, जो कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश की डेट की बात करें तो 13 फरवरी 2024 यानी कि 13 तारीख को यह आदेश जारी किया जा चुका है। विषय की बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षण 2023-24 के गुणवत्तापूर्ण संचालन एवं अनुसांगिक व्यय के भुगतान के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस संदर्भ में दोस्तों जो 16 अक्टूबर 2023 को आदेश दिया गया था उसी का यहां पे संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है। जो बच्चों में बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं के विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में है। तो दोस्तों यहां पे शिक्षा मित्र साथियों को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रशिक्षण में शिक्षा मित्र साथी भी निश्चित रूप से प्रशिक्षण करेंगे। ऐसे में आगे बताया गया कि तत्क्रम में संदर्भदाताओं तथा प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों को जलपान एवं लंच हेतु डाइट स्तर पर 200 रुपये प्रति दिवस तथा विकासखंड स्तर पर 170 रुपये प्रति दिवस की दर से अनुसंगिक व्यय के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है। आगे बताया गया है कि उक्त के संबंध में संदर्भदाताओं एवं प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों को अनुसंगिक व्यय के भुगतान के संबंध में निम्नोक्त निर्देश किया जाता है। तो दोस्तों इसमें निर्देश क्या है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो पहला निर्देश दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं के अनुसंगिक व्यय के भुगतान हेतु जिला परियोजना कार्यालय द्वारा PFMS पोर्टल पर सभी प्रतिभागियों का वेंडर के रूप में पंजीकरण किया जाए। दूसरा बिंदु बताया गया है विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों के अनुसंगिक व्यय के भुगतान हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा PFMS पोर्टल पर सभी प्रतिभागियों का वेंडर के रूप में पंजीकरण किया जाएगा तथा तत्संबंधित सूचना जिला परियोजना कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित की जाएगी। अब यहाँ तीसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि संदर्भदाताओं द्वारा 5 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा शिक्षकों का 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय बैचवार प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत ही अनुसंगिक व्यय का भुगतान जिला परियोजना कार्यालय द्वारा PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अगले बिंदु बताया गया है कि समस्त SRG ARP डाइट मेंटर्स द्वारा प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन के अंत में प्रतिभागियों की उपस्थिति DCF के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है अनुसांगिक व्यय का भुगतान प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण पूर्ण होने के 5 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जाए। PFMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त धनराशि को स्वयं चेक करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। अब इस बिंदु के अंतर्गत जो लास्ट बिंदु है इसमें बताया गया है कि अनुसंगिक व्यय के भुगतान के उपरांत अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर प्रबंध पोर्टल पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स ऑफ ग्रेड्स 1-5 न्यू मद में भरा जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। तत्संबंधी यूजर मैनुअल संलग्न है। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है इसमें पर डे के हिसाब से आपको 170 रुपये दिए जाएंगे। तो 170 रुपये के हिसाब से 4 दिन का आपका बनता है 680 रुपये। तो इस तरह से आपके बैंक अकाउंट में सीधे PFMS पोर्टल के माध्यम से 680 रुपये का भुगतान प्रशिक्षण के बाद किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगला आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है। और यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षाधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 10 फरवरी 2024 को दिया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो मानव संपदा पोर्टल पर एरियर मॉड्यूल पर प्राप्त अवशेष देयकों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात SOP के संबंध में ये आदेश दिया गया है। तो दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का एरियर के रूप में धन रुका हुआ हो और मानव संपदा पोर्टल के एरियर मॉड्यूल से आप उस धन को लेना चाहते हैं तो इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण आदेश है। आइए इस आदेश में देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन आदि एवं तत्संबंधी अवशेष देयकों का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन अवशेष के भुगतान हेतु मानव संपदा पोर्टल पर एरियर मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसमें वेतन संबंधी व्यक्तिगत अवशेषों को वर्गीकृत किया गया है, यथा निलंबन बहाली संबंधी अवशेष, माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अवशेष, महंगाई भत्ते का अवशेष, वेतन वृद्धि अवशेष, अवकाश वेतन संबंधी अवशेष, पदोन्नति या चयन वेतन मान संबंधी अवशेष, नवीन नियुक्ति संबंधी अवशेष व बोनस इत्यादि संबंधी अवशेष। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों के अवशेष का भुगतान प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर किया जाता है। अर्थात पहले आप आवेदन करते हैं तो पहले आप ही को दिया जाएगा, बाद में जो आवेदन करेगा उसको बाद में दिया जाएगा। इसका कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है।
इस संदर्भ में अवशेष वेतन के त्वरित एवं सुगम निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात SOP संलग्न कर प्रेषित है। आगे बताया गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन एवं तत्संबंधी अवशेष वेतन के त्वरित एवं सुगम भुगतान हेतु उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात SOP का पूर्णतः क्रियान्वयन किए जाने हेतु निर्देश किया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों एवं तत्संबंधी कार्य निस्तारण करने वाले सहायकों इत्यादि को निर्देशित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय शिवराम, वित्त नियंत्रक। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको ये SOP जो जारी किया गया है इसको देख लेना चाहिए कि विभाग में किसी भी प्रकार का आपका धन रुका हुआ है तो किस मद में धन रुका हुआ है और उस पे आपको कौन सी कार्रवाई करनी है, ये निश्चित रूप से आपको जानना आवश्यक है। तो आइए शीघ्रता से SOP को भी आपको दिखा देते हैं कि कोई भी धन आपका विभाग में रुका हुआ है तो मानव संसाधन पोर्टल पर एरियर के माध्यम से कैसे आप कार्य करके और उस धन को प्राप्त एरियर के रूप में कर सकते हैं। तो आइए SOP के देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मानव संसाधन पोर्टल के एरियर मॉड्यूल पर अवशेष वेतन आदि के त्वरित एवं सुगम निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात SOP आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें दो कॉलम काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। यहाँ पे पहले कॉलम में अवशेष देयक का प्रकार दिया गया है अर्थात कौन सा धन किस मद में आपका विभाग पे ऋण है, यानी कि आपके विभाग में जो आपका अवशेष है वो किस मद में है वो दिया गया है और इसके लिए आपको करना क्या है वो दूसरी पंक्ति में दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पे देख पा रहे हैं अवशेष देयक का प्रकार और दूसरे में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अर्थात आवेदक द्वारा की जाने वाली जो कार्यवाही होगी वो कौन सी होगी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। आगे खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही है और आगे वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा के स्तर पर जो कार्यवाही की जाने वाली है वो चीज दी गई है। तो पहला और दूसरा काफी महत्वपूर्ण है, आपको देख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है निलंबन अवधि से संबंधित अवशेष अगर आपका है तो उसमें आपको कौन सी कार्रवाई करनी है, यहाँ पे आप निश्चित रूप से देख लें। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेश से संबंधित अवशेष देयक है उसके बारे में बताया गया है, या महंगाई भत्ते से संबंधित अवशेष देयक है तो उस संदर्भ में आपको क्या करना है वो चीज आप देख लें। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस SOP के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ चौथे बिंदु के अंतर्गत देख पा रहे हैं वेतन वृद्धि से संबंधित अवशेष देयक आपका है तो आपको ये कार्य करना होगा। उसके अलावा अवकाश से संबंधित अवशेष अगर देयक है तो वो आपको ये करना होगा। और इसके अलावा जो छठे बिंदु में दिया गया है पदोन्नति या चयन वेतनमान से संबंधित आपका अवशेष देयक है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो चीज़ यहाँ दी गई है। सातवें बिंदु में यदि देखते हैं तो यहाँ पे दी गई है नई नियुक्ति के उपरांत वेतन भुगतान से संबंधित अवशेष जो है उसके लिए आपको कौन सी कार्रवाई करनी है वो चीज़ यहाँ दी गई है। और लास्ट पेज पे इसके चलते हैं। दोस्तों, इस SOP का लास्ट पेज ये है, आठवां बिंदु। आप देख पा रहे हैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोके गए वेतन बोनस इत्यादि से संबंधित यदि आपका कोई धन बकाया है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो चीज़ पूरी डिटेल में यहाँ पे दी गई है। तो निश्चित रूप से आपका जो भी संबंधित वेतन विभाग में रुका हुआ है इस कार्रवाई को करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नोट दिया गया है कालातीत अवशेष देयकों को पोर्टल पर आवेदित करने से पूर्व उनकी पूर्व संप्रेक्षा अर्थात प्री ऑडिट सक्षम अधिकारी से नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पे आगे बताया गया है कि वेतन के नियमित भुगतान के दृष्टिगत माह के अंतिम एवं आरंभ के कुछ एक कार्य दिवसों में कोषागार द्वारा सामान्यतः अवशेष देयक स्वीकार नहीं किए जाते हैं, अतः वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालयों द्वारा सामान्य परिस्थिति में अवशेष देयकों के बिल कोषागार में माह के अंतिम 3 कार्य दिवसों एवं माह के आरंभ में 3 कार्य दिवसों को छोड़कर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये आदेश पूरी तरह से यही स्पष्ट करता है कि मानव संसाधन पोर्टल के माध्यम से आपका जो भी विभाग में धन अवशेष है एरियर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं इन कार्यवाहियों को करके, और इस प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और आपका आसानी से त्वरित निस्तारण हो पाएगा आपकी समस्याओं का और धन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो पाएगा। तो आप निश्चित रूप से मानव संसाधन पोर्टल पर जो भी आपके अवशेष है एरियर के रूप में आप आवेदन करें और ससमय प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि इसमें पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। आइए दोस्तों, देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों, आप स्क्रीन पे परियोजना कार्यालय का यह आदेश देख सकते हैं और यह आदेश मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2024 को यह आदेश निर्गत किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद भ्रमण एवं गैप एनालिसिस के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों, सीधे हम मूल बिंदु पे आपको लेकर चलते हैं। इस आदेश में आगे बताया गया है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के स्थलीय भ्रमण एवं गैप एनालिसिस किए जाने हेतु माह फरवरी 2024 में संलग्न सूची के अनुसार मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं प्रचार डायट के साथ निपुण भारत सेल राज्य परियोजना कार्यालय की टीम द्वारा जनपदों में एक दिवसीय भ्रमण किया जाना है। भ्रमण के उद्देश्य निम्नलिखित है। दोस्तों, यहाँ पे उद्देश्य आप देख लीजिएगा, निपुण भारत को सफल बनाने के लिए ही ये सारे उद्देश्य हैं। नीचे की तरफ आते हैं मूल बिंदु पे, जनपद के भ्रमण के कार्यक्रम क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जनपद में भ्रमण हेतु कार्यक्रम निम्नोत प्रस्तावित किया गया है। इसमें यहाँ कार्यक्रम दिया गया है और यहाँ पर समय दिया गया है। पहले बिंदु बताया गया है कि 2 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण, जिसमें बताया गया है कि निरीक्षण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण में वंचित विद्यालयों के आधार पर अर्थात
जो विद्यालय निरीक्षण पर्यवेक्षण में छूट गए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे 2 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह के 8:30 बजे का निर्धारित किया गया है। अगले दिन में बताया गया है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र कार्यालय का निरीक्षण होगा जो कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में समय निर्धारित है। इसके अलावा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण की समीक्षा की जाएगी। तो आप जानते हैं कि FLN के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण BRC केंद्रों पर चल रहा है, तो इसकी भी समीक्षा इसमें शामिल की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक भी इसी दौरान करनी है। नेक्स्ट में बताया गया है कि SRG डाइट मेंटर एवं ARP के साथ बैठक करनी है, वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वय प्रशिक्षण के साथ जो बैठक होगी उसके लिए समय निर्धारित किया गया है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में। नेक्स्ट है जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी के साथ भेंटवार्ता होगी, वो 6 बजे का समय दिया गया है। भ्रमण के उपरांत संबंधित मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं प्राचार्य डाइट के निर्देशन में निपुण भारत सेल के सदस्यों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट और हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि माह फरवरी 24 में जनपदों का भ्रमण करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बोधिया मधुसूदन होलगी, अपर राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों इस प्रकार से फरवरी माह में हमारे विद्यालयों के निरीक्षण करने की यहाँ बात हुई है, जो खास तौर पे निपुण भारत से संबंधित होगी। इस प्रकार से दोस्तों ये रहे आज के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।